शादी हम लोग इसलिए करते हैं, वंश वंश तो चलेगा ही चलेगा, पत्नी तो हमें सुख देगी ही देगी, पत्नी को तो पति सुख देगा ही देगा, बच्चे तो होंगे उसमें कोई, शादी करना उद्देश्य बच्चे पैदा करने के लिए हम शादी नहीं करते, पत्नी से भोगों का सुख पाने के लिए हम विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह की जो परंपरा है उसका मूल रहस्य ये है, मूल कारण ये है कि पत्नी के बिना पुरुष भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता, भगवान को पाने में हमारी पत्नी सहयोगी है। जैसे रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने पूरी पूजा नहीं की, क्योंकि मोदी जी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा में पत्नी का होना आवश्यक था, इसलिए वहां पर रामलला की पूजा में एक पति पत्नी जोड़े को बिठाया गया, पूरी पूजा का प्रोसेस उन्होंने किया, बाद में अंतिम प्रतिष्ठा में मोदी जी का केवल उपस्थिति थी, क्योंकि विधान है कि पूजा पाठ पत्नी वाला करेगा। अंत में मोदी जी आए, बाकी जो पूरा पद्धति थी 3 दिन का, जो 6 दिन का जो पूजा थी उसमें मोदी जी नहीं बैठे, क्यों? क्योंकि तब बैठ सकते थे जब उनकी पत्नी उनके साथ हो, यदि पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप पूजा के अधिकारी, तो हमारी पत्नी हमें पूजा का अधिकार प्रदान करती है, हमारी पत्नी हमारे को ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करती है, बिना पत्नी के आप यज्ञ कर नहीं सकते, हाँ या ना? फिर पत्नी को हल्के में ले रहे हो क्या? मैया बोल दिया करो अपने पति को, हल्के में मत लो हमें, हम केवल वंश चलाने के लिए ही नहीं है, बच्चे तो पैदा होंगे ही, भाई किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो बोता है गेहूं के लिए, लेकिन उसे फ्री में एक चीज मिल जाती है, क्या? भूसा, भूसा समझती हो, भूसा जो गैया इत्यादि खाती हैं, जैसे किसान ने गेहूं बोया तो गेहूं के बदले गेहूं मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलता है, उसी प्रकार वंश तो शादी वादी कर लो, वंश तो फ्री में चलेगा ही चलेगा, ये तो भूसे की तरह है, बच्चे होंगे लेकिन उद्देश्य है परमात्मा को पाना, पति पत्नी से उद्देश्य क्या है? ईश्वर को पाना, ये वंश वंश तो सब भूसे की तरह मिल नहीं है, जाएंगे कहां, दोनों के संयोग से तीसरा तो होगा ही, तो वो तो विधान ही है और होना ठीक भी है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है, उद्देश्य बच्चा पैदा करना नहीं है, उद्देश्य भगवान को पाना है, इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते वो परेशान ना हो, भगवान को पाना उद्देश्य है गृहस्थ में, बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना उद्देश्य था ही नहीं, तो सब आजकल ना मोह ममता ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है, तो वो शादी हुई के पहले बच्चा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया, भगवान राम ने विवाह किया, अच्छा आपने सुना होगा राम जी ने एक यज्ञ किया था, उस समय सीता मैया वनवास में थी, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, बोले आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपका विवाह तो हो चुका है पर पत्नी आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करें, तब सोने की सीता बनाई गई, तब क्या हुआ, सोने की सीता बनाई गई, और सोने की सीता बना करके उनको बिठाया गया, तब राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए, हां मेरी मां, इसलिए ना तो पत्नी अकेले पूजा करे ना तो पति अकेले पूजा करे, जब कोई भी घर में अनुष्ठान हो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो, तो पति पत्नी जोड़े से बैठ के पूजा करना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है। गौ दान करो तो भी आप जोड़े से गौ दान करो, जब आप कोई घर में अनुष्ठान कराओ, जैसे आप घर में कोई पूजा कराते हैं तो उसमें पति पत्नी दोनों का होना, जैसे आप लोग कुछ महिलाएं ना अकेली आहुति डाल देती हैं, स्वाहा 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 स्वाहा, इनको ज्ञान नहीं है ना इसलिए डालती हैं अकेले, कुछ लोग पुरुष लोग अकेले आहुति ना, ना तो पुरुष अकेले आहुति डाल सकता है, हाँ सामान्य हम जो रोज घर में हवन करते हैं वो तो ठीक है,
पर कोई विशेष आप यज्ञ के यजमान बने, आपके घर में कोई बड़ी पूजा हुई, उसमें आप अकेले आहुतियां डालने के अधिकारी नहीं है, ना तो पुरुष और ना तो स्त्री। पुरुष बैठेगा बगल में, स्त्री बैठेगी, पुरुष आहुति डालेगा तो पत्नी केवल हाथ लगाएगी, पति के हाथ को स्पर्श करेगी। यज्ञ में कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो आहुतियां पत्नी को डालनी पड़ती हैं। यज्ञ में ऐसा विधान है कि कुछ आहुति पुरुष की होती हैं और कुछ आहुतियां स्त्री के हाथ से होती हैं। तो अब जिसकी पत्नी ही नहीं है वो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है, इसलिए संत लोग यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम ही हमें यज्ञ का अधिकारी बनाता है। हमारी पत्नी हमारे को यज्ञ का अधिकार प्रदान करती है, हमारा पति आपका पति आपको यज्ञ का अधिकारी बना। कोई लड़की भी यज्ञ का अधिकारी नहीं है, अकेली लड़की, लड़की यज्ञ की यजमान नहीं हो सकती और लड़का भी यज्ञ का यजमान नहीं हो सकता, गृहस्थ। समझ में आई बात? तो पत्नी के मायने कुछ और भी हैं, उस मायने तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, समझ ही नहीं है। आजकल तो आदमी केवल खाया पिया बस मौज किया, लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, तो आजकल तो शादियां भी मौज करने के लिए होती हैं। तो मौज करने वाले फिर बच्ची पैदा करके रह जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने शादी की क्यों, शादी का मूल उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य तक वो पहुंच ही नहीं पाते। अब देखो जो हमने आज बताया, आप में से बहुत लोगों को ये बात आज ही पता चली होगी, अच्छा ये भी कारण है। अब देखो आपकी शादी के 50 साल होने को आए, 30 साल होने को आए, 20 साल होने को आए, ये बात आज पता चली। तो सत्संग इसलिए तो करना चाहिए ना, सत्संग करोगे तो आपको आपके अधिकार पता चलेंगे कि आपका अधिकार क्या है। पति पत्नी यूं ही नहीं है, पत्नी को लक्ष्मी ऐसी थोड़ी कहते हैं, पुरुष को नारायण कहते हैं, आप समझो। आपने देखा होगा जब शादी होती है ना हम लोगों की, तो मंडप के नीचे लड़का लड़की बैठते हैं, तो मंडप के नीचे भी हवन होता है, तो कुछ आहुति लड़की डालती है, कुछ आहुति लड़का डालता है। और एक बात आप समझ लेना, आहुति तब होती है जब मांग इत्यादि का प्रोसेस पूरा हो जाता है, हाँ या ना। अभी वो मंडप के नीचे जो लड़की बैठी है, अभी मेरी पत्नी बनी नहीं पूरी, जब मांग इत्यादि का रस्म पूरी हो जाएगी उसके बाद पंडित जी अंत में हवन कराते हैं, क्योंकि वो हवन नहीं है, वो यज्ञ है। वो विवाह एक यज्ञ होता है, हमारे विवाह क्या है, एक यज्ञ है। और वो यज्ञ में आपने ध्यान दिया होगा, कुछ आहुति पुरुष डालता है उस यज्ञ में, कुछ आहुति स्त्री डालती है। इसका मतलब ही ये है कि वो शादी हो गई, मांग भर गई, आपने विवाह मंत्रों से आपका जो विवाह हो गया, अब विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, तो आप यज्ञ के अधिकारी हो गए। कुछ चीजें कुछ होने के बाद अधिकार मिलता है, जैसे शादी के बाद आप गर्भवती होंगी तो समाज आपको सम्मान करेगा, और शादी के पहले कोई महिला गर्भवती हो जाए तो समाज जीने नहीं देगा। मतलब कुछ चीजें कुछ कार्य के बाद ही उसका अधिकार मिलता है, हाँ या ना। माता कुंती को विवाह के पहले बच्चा हो गया तो माता कुंती को उसे पानी में बहाना पड़ा था, उसमें टोकनी में रख के, जो कर्ण कहलाए बाद में। माता कुंती ने भी समाज से यह बात छिपा के रखी कि कर्ण मेरा बेटा है। वो बात अलग थी कि वो संयोग सूर्य भगवान से हो गया उनका, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया जो गुरुजी ने दिया, और वो मंत्र यूं ही मजाक में पढ़ दिया तो सूर्य भगवान आ गए, बोले अब आए हैं तो पुत्र देकर जाएंगे। तब सूर्य भगवान ने अपने स्पर्श से माता कुंती को पुत्र दिया। वो सब बातें आप जानते हैं, लेकिन ये हम केवल ये याद दिला रहे हैं कि अधिकार के बिना, जब तक आप अधिकारी नहीं होते तब तक उस कार्य को करना अपराध है, हाँ या ना। तो आप शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर आप बच्चा पैदा कर लो,
तो आपका वो बच्चा समाज में सम्मान पाएगा, आपके भी। हमारे यहाँ समाज में कुछ ऐसी पूजा होती है जिसमें गर्भवती स्त्रियों को खिलाया, वो शरद पूर्णिमा होती है ना, शरद पूर्णिमा में 6 लड्डू बनते हैं खोए के, हमारे यहाँ होती है ये पूजा, महिलाएं ये व्रत रखती हैं, हमारे यहाँ 6 लड्डू बनते हैं। मैया आपके यहाँ बनते ना शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हो आप लोग? नहीं रखते। हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ माताएं शरद पूर्णिमा में व्रत रखती हैं और शरद पूर्णिमा में शक्कर मिश्री और खोए के लड्डू बनते हैं, डायरेक्ट शुद्ध खोवा, खोया गाय का शुद्ध दूध औंट करके खोया बनता है, उसके माँ बाप क्या बोलते हैं इसको, खोए ही बोलते हैं, माँ बाप ही बोलते हैं, हमारे तो खोवा बोलते हैं, तो उसके लड्डू बनते हैं 6 और 6 लड्डू उस पुस्तक में उस व्रत का विधान है कि एक लड्डू गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है, एक लड्डू ब्राह्मण को, एक लड्डू गर्भवती स्त्री को, एक लड्डू गाय को, है ना, ऐसे वो 5 लड्डू बटते हैं और एक लड्डू फिर वो स्त्री जिसका व्रत है वो एक लड्डू खा के व्रत रखती है। 6 लड्डू बनेंगे जिसमें 5 उसे बांटना होता है और 6 लड्डू एक बराबर बनते हैं, उसका एक नियम होता है कितनी उसमें शक्कर रहेगी, इतनी मिश्री रहेगी, इतना ये रहेगा, वो नाप तौल के बनता है और वो व्रत होता है, उसमें एक लड्डू गर्भवती स्त्री का होता है। बात समझ में आई? हम ये बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि गर्भवती स्त्री इतनी श्रेष्ठ होती है कि गर्भवती स्त्री को भोजन कराना मतलब 10 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और एक गर्भवती स्त्री को भोजन कराओ, एक पुण्य है। उस समय जब बच्चा होता है गर्भवती स्त्री वो श्रेष्ठ स्त्री होती है, वो पवित्र होती है, गर्भवती नारी को भोजन कराना पुण्य होता है, पता है आपको? ब्राह्मण ना मिल रहे हो आपको भोजन कराने में तो गर्भवती स्त्री को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराने का जो पुण्य है वही गर्भवती नारी का भोजन कराने का पुण्य है। मतलब समाज ना इतना आदर देता है, शादी हो गई अब आप पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र हैं, संतान उत्पन्न, संतान भी क्यों उत्पन्न करना है, इसलिए कि मेरी संतान समाज की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, भगवान की सेवा करे। जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर या से तो वंध्या भली काहे गवावे नूर। तो जिंदगी हमारी क्या है, यात्रा। तो मैया हम आपसे कह रहे थे कि अपना और पराया का भाव रखा करो, अपने भगवान हैं और पराए, अपने कौन और पराया कौन, संसार पराया है।